हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे यूट्यूब के बारे में। आज अगर आप इंडिया में नोट करते हो ना, तो हर तरफ हर जनरेशन, मतलब छोटा बड़ा बुजुर्ग, हर इंसान, इवन कि बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस भी यूट्यूब पर आ रहे हैं। मतलब यूट्यूबर्स ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। इंडस्ट्री में भी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, मतलब यूट्यूबर ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है और वो नाम रोशन कर रहे हैं और इकोनॉमी में भी योगदान दे रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करूँगा, एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा, उसके थ्रू हम जानेंगे एक न्यू यूट्यूबर, एक न्यू बिगिनर किस तरह से अपने आप को ग्रो कर सकता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी आपको यूट्यूब पे आने के लिए। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, और ये अच्छी बात है कि आजकल का युवा, मतलब गवर्नमेंट जॉब की उसमें ना जाके अपना खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है। मतलब उसका एक चीज़ है, देखो अगर आप कंटेंट के लिए कुछ भी करो, जो मर्जी करो, आपको अपनी ऑडियंस मिल ही जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है, किसी को कॉपी नहीं करना है। अगर आपके अंदर जुनून है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप काम करो। आपको ज़रूर अपना जो है कि अपना कंटेंट क्रिएट करो, अच्छा, आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी, आप ग्रो कर जाओगे। आपको क्या करना है, आपको ओपन रेगुलर रहना है चीज़ों के साथ और उस पर मेहनत हार्डवर्क करनी है। एक दिन में कुछ नहीं मिलेगा, बट एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। आप हार्डवर्क करिए, आप रेगुलर रहिए, और हाँ, जो अपना जुनून है ना, उसके साथ लगे रहिए। इस पर देखो, ये सोशल मीडिया है, मतलब सब चीज़ें एक पॉइंट टू पॉइंट काम करती हैं। इसमें आपको किसी को नहीं पता कब किसकी क्या चीज़ जो है कि आगे चली जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हार्डवर्क करना है। अगर आप अच्छे से पढ़ा सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, डांस कर सकते हो, फनी वीडियोस बना सकते हो, जो मर्ज़ी कर सकते हो, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आप डेली ब्लॉगिंग करो, या आप ट्रैवलर हो, या आप रेसर हो, जो मर्ज़ी हो आपके माइंड में, या आपको कुछ भी कंटेंट जो आप जिसमें आप माहिर हो, आप जिसमें जिस भी कंटेंट में आप पब्लिक को दिखा सकते हो कि हाँ ये एक्चुअल में है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसकी हम बाद में बात करेंगे किस तरीके से हम ये चीज़ें करेंगे, लेकिन एक छोटा एग्जांपल, अंकित मानपुरिया जो सोनीपत ज़िले से हैं, वो भी मतलब उन्होंने भी अपना हार्डवर्क 75 डेज का हार्डवर्क स्टार्ट किया और वो आज फेमस हैं, क्योंकि वो फेमस 2 महीने या 10 दिन में ऐसे फेमस नहीं हुए। उन्होंने अपना हार्डवर्क किया और देखा कि हाँ लोग ना सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू मतलब काफ़ी पॉपुलर हुआ है, मतलब लोग आ रहे हैं और फेमस भी हो रहे हैं, इंडस्ट्री में भी योगदान दे रहे हैं। अभी एल्विस भाई भी आए, तो ये छोटे मोटे नहीं, काफ़ी बड़े एग्जांपल, हरियाणा से 2 एग्जांपल हैं। 75 हार्ट चैलेंज जो नहीं होता है, सब कुछ डाइट वगैरह फॉलो करनी पड़ती है, रेगुलरिटी, उन्होंने रेगुलरिटी के साथ साथ अपना फैन बेस बनाया। उनकी जो मेहनत थी, वो पिछले 5-7 साल से मेहनत भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, जोमेटो में उन्होंने इंटरव्यूज़ में बताया अपने, तो वो अपने जो है ना वर्क पे मतलब डेली काम कर रहे थे और वो फेमस हो गए। मतलब उनका 75 डे हार्ड चैलेंज था, वो मतलब फेमस हो गया, उनका वायरल हो गया, ट्रेंडिंग में चला गया, तो वो आज फेमस है। उनके यूट्यूब पे 1.5 मिलियन के आसपास और इंस्टा पे 5 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं, और उनकी ढेर सारी बताई हैं, उन सॉन्ग वगैरह काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। उनका हार्डवर्क चैलेंज, डेली वर्क चैलेंज काफ़ी फेमस हो गया, और उस चीज़ से यूथ को सीखने को मिला है, काफ़ी यूथ उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले अपना ये है कि अपना हार्डवर्क, अपना जो जुनून है उसको मतलब जानिए आपके अंदर क्या जुनून है, और उसको अपने जुनून को आपको लोगों को दिखाना है, समझ गए ना, वो सब है। उसके अकॉर्डिंगली ही आप अगर आप करोगे ना,
आप जब फेमस हो जाओगे आपको ज़रूर अपना ऑडियंस मिल जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, आप यूट्यूब पे आ दोगे। अब यूट्यूब पे आने के बाद ये नहीं है कि आपको कैमरा चाहिए वो चाहिए, आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, एक बिगनर के लिए, आप यूट्यूबर हो एक बिगनर मतलब स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आप जस्ट जीरो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो कोई भी चैनल किसी भी फील्ड में। अगर आप एक अच्छे कुकर ही हो, मतलब कुक अच्छा खाना बनाते हो, कुछ भी है एक्स वाई जेड आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? मेरे विचार में, मैं भी अभी बिगिनर हूँ, मेरे 200-250 सब्सक्राइबर हैं मेरे खुद का, और मैं बता रहा हूँ क्या चाहिए आपको। आपको एक तो अपनी जो क्या बोलते हैं अपनी वे ऑफ स्पीकिंग वो अच्छी करनी, सबसे अच्छी बात आप जो मर्जी ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्या करना है, आपको एक अच्छा कैमरा की कोई ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। अच्छा कैमरा का मतलब है यार, कैमरा तो अच्छा होना चाहिए, ये बात जाहिर है। अच्छा कैमरा का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको वो वाला कैमरा नहीं खरीदना 50-60 हज़ार रुपया या 360 वगैरह जो भी एक्स वाई जेड आईफोन वगैरह कुछ नहीं खरीदना। आप नॉर्मल 10-15 हज़ार के फ़ोन के साथ भी अपना वीडियो ब्लॉगिंग चैनल जो मर्जी यूट्यूब पे वीडियो फनी वीडियोस एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकते हो, स्टार्ट जीरो से स्टार्ट करना। आपको सीधा आईफोन नहीं खरीदना भाई, तो आता है 15 प्रो एक्स या 15 सीरीज 89 से स्टार्ट हो रही है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, कैमरा वगैरह गैजेट वगैरह काफ़ी महंगे आते हैं। तो स्टार्ट कीजिए ना आप छोटे फ़ोन से कीजिए। मैं भी सैमसंग गैलेक्सी A51 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं फ़िलहाल ये वीडियो भी सैमसंग गैलेक्सी A51 के साथ शूट कर रहा हूँ, और ये माइक भी मैंने अभी जस्ट 2 महीने पहले ही लिया है। तो धीरे धीरे आपका, आप अगर रेगुलर हो जाओगे ना तो आपका ग्रोथ आ जाएगा, आप ग्रो कर जाओगे धीरे धीरे, सब चीज़ें आ जाएंगी लाइफ में। लेकिन आपको रेगुलर रहना है, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आनी है जिससे यूथ को पब्लिक को सीखने को मिले, या फनी वीडियो है आप आसा सकते हो लोगों को, तो भी आपका काम अच्छा चल जाएगा, आपको अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी, आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। हाँ, कंटेंट होना चाहिए आपके पास, तो आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए सही बात। दूसरी बात आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, बोलने का तरीका है, मतलब आपको आप धीरे बोलिए, मतलब हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। दूसरा आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आप अपनी फैमिली के साथ से स्टार्ट कीजिए, अपना डेली ब्लॉगिंग कीजिए जो मर्जी है, या एक दो अपनी टीम में ऐड कीजिए, अपना भाई चाचा बहन जो भी है, आप डांसिंग कुछ भी कर सकते हो, मतलब यार एक बंदे की जरूरत और होती है, मतलब दो बंदे आसानी से चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। तो ये सब है, बड़ा महंगा फ़ोन नहीं लेना है, ना कैमरा लेना है, आप अपना नॉर्मल 15 हज़ार के फ़ोन से, 15 हज़ार ठीक है, 15-20 हज़ार के फ़ोन में कैमरा ठीक आ जाता है, 1-1.5 साल चल जाएगा, रेगुलर मेहनत करोगे तो आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा, तो वो ठीक है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। वे ऑफ टॉकिंग हो गया, आपके साथ पास कंटेंट होना चाहिए। देखो कंटेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा आसपास, अपना एरिया दिखाइए, आप यहाँ से बिलोंग करते हो, गांव से करते हो, सिटी से करते हो, क्या करते हो, मतलब आपके यहाँ माहौल कैसा है, चीज़ें क्या क्या हैं, आपके पास मंदिर है या घूमने के लिए क्या क्या फेमस चीज़ें हैं, जो भी मर्जी आपके पास सिटी, किस सिटी के पास में हो, तो वो सब चीज़ें आप दिखा सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। आपका वे ऑफ स्पीकिंग अच्छा है तो आप इंग्लिश में बात कीजिए, हिंदी में बात कीजिए, जो मर्जी बात कीजिए, आपका मतलब होना चाहिए, हाँ अंदर जुनून है ना, अगर आपके अंदर जुनून है कि यही करना है, फिर पीछे से कोई भी प्रेशर, किसी भी चीज़ का प्रेशर हो, आप किसी की भी बात नहीं सुनोगे, आपके अंदर जो जुनून होगा ना, जो अंदर से आएगा, अपने आप आएगा, फ्लो करेगा, और वही चीज़ें ना आगे ना अपने आप को ग्रो करने में मदद करती हैं। तो मेन चीज़ यही थी, ब्लॉगिंग के लिए आप जीरो से स्टार्ट कीजिए, और फ़ोन थोड़ा ठीक ठाक ले लीजिए, 15-20 हज़ार का फ़ोन, एक माइक हो जाएगा बस, और कोई भी एक वीडियो आपका वीडियो शूट कर जाए कर ले, या फिर ट्राइपॉड वगैरह आते हैं 500-1000 रुपये तक के, नॉर्मल अच्छे ठीक है, मतलब उससे आपकी वीडियो शूट हो जाएगी। मैं तो हाथ में लेके ही कर रहा हूँ, हाथ में माइक है इसका, पीछे का टूट गया, देखो अभी लाया था 700-800 रुपये का, ये देख रहे हो,
और अभी ये इसका टूट गया, उसको यहाँ पे लग जाता वरना एक अब हाथ में लग के, एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में ये, तो वो सब चीज़ें हैं। आपको ना अपनी रेगुलरिटी नहीं तोड़नी है, सबसे बड़ी बात। आप एक चीज़ डिसाइड कीजिए, व्लॉगिंग करनी है, ठीक है, आप सोर्स डेली डालिए, सोर्स आप डेली डालिए, और वीडियो आप अगर डेली नहीं बना सकते ना तो आप एक चीज़ निश्चित कीजिए, एक निर्धारित कीजिए, वीक में एक या दो वीडियो। तो आपको फिर आपकी जो पब्लिक है, आपकी जो पब्लिक है वो उसी के अकॉर्डिंगली ही रेडी हो जाएगी। और ये नहीं है ना कल को आपने वीडियो शूट की, आज आपने वीडियो 2 बजे डाल दिए, कल आप 3 बजे डाल रहे हो, परसों आप 5 बजे डाल रहे हो, वो चीज़ भी गलत है। उससे भी आपका जो रीच है उसमें गिरावट आती है या रीच नहीं आ पाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मैं कोई वीडियो रात को डाल देता हूँ, कभी 5-5 दिन, 6-6 दिन, 7-7 दिन वीडियो नहीं आती, आती हैं तो लगातार 2-2, 3-3 दिन वीडियोस बनती चली जाती हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे पास कंटेंट की कमी किस वजह से आ रही है, मैं थोड़ा ना घर पे बिजी हूँ, मतलब समझ सकते हो ना, जिस दिन मेरे को टाइम लगेगा ना, टाइम मतलब उस तरीके का टाइम कि मैं रेगुलर वीडियो बना सकूँ, रेगुलर अपना कंटेंट क्रिएट कर सकूँ, और उस दिन मैं अपना स्टार्ट कर दूंगा, मतलब स्टार्ट मतलब रेगुलरिटी के साथ। अभी मेरा क्या है, मैं बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मेरा आज वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये शाम तक आ जाएगी, अभी अभी डालता हूँ जस्ट। तो ऐसा है कि लगातार भी वीडियो बन जाती है, बीच में गैप भी चला जाता है। दूसरी बात, वीडियो को टाइम से टाइम, आप कोई भी टाइम फिक्स कर लीजिए, आप चाहे रात के 12 बजे कर लीजिए, दिन में 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, जो मर्जी कर लीजिए, आपको एक टाइम फिक्स करना है, उसी के अकॉर्डिंगली वीडियोस डालनी है, उसको मिस नहीं करना है। और आप वीकली एक वीडियो डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, उसमें वो भी फिक्स कीजिए। तो महीने में 10-12 वीडियो या महीने में 4 वीडियो जितने भी हो सकते हैं वो वीडियोस डालिए, उससे भी आपकी रीच कंटिन्यू बनी रहेगी, बढ़ती चली जाएगी और आपको अच्छी ग्रोथ, आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। और एक बात बता देता हूँ, देखो हर आदमी, हर इंसान जो भी काम कर रहा है उसका अपना आइडियल होता है। आपका आइडियल जो भी होगा, एक स्पेशल शेड है, आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका आइडियल जो भी है आप स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस जैसा बनने की कोशिश मत करना कि आज मैंने स्टार्ट किया है कल ही उसके जैसा बनता हूँ। भाई उसने भी जो मेहनत की है ना, उसने 2-4 साल 5 साल लगे हैं, एक दिन में कोई भी महान नहीं बनता। जो भी मतलब महंगी महंगी चीज़ें हैं या बड़ी चीज़ें ना, उसे बनने में टाइम लगता है। तो अपने अकॉर्डिंगली ही चीज़ें रखो और अपना नॉर्मल कैमरा से वीडियो स्टार्ट करो। हाँ, एक बंदा रख लो, कोई भी अपने घर में है, आप दोस्त है, मित्र है, जो भी, आपका वीडियो शूट कर ले और आप अच्छे से माइक में बोल सकें, बोलने की एबिलिटी अपने अंदर क्रिएट करो, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली है, सबसे बेस्ट। कैमरा तो कोई भी पकड़ लेगा आपका, अगर आप बोलने में हिचकिचा रहे हो ना तो आपकी वीडियोस अच्छी नहीं बनेंगी, मैं सच बता रहा हूँ ये। और बोलने की एबिलिटी आ गई ना भाई, तो आप खुद भी पकड़ के कुछ भी कर लोगे, बोलने की एबिलिटी आ गई ना तो कुछ भी कंटेंट मिल जाएगा। और कंटेंट के अकॉर्डिंगली ही पब्लिक, कंटेंट के अकॉर्डिंगली ही आपकी रीच बढ़ जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑडियंस मिल जाएगी और आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। तो मेन चीज़ें क्या हैं, कैमरा आपको बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, महंगा कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे चीज़ें ग्रोथ करेंगी तो अपने आप चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा, आपको अपनी जो वॉइस है वो तो अपनी वॉइस है उसको अपना मेंटेन करके रखना है। तो ये सब चीज़ें ही हैं। अगर आपको, आप बिगनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो अपने यूट्यूब चैनल किसी भी फील्ड में किसी भी कंटेंट के साथ, तो ये सब 2-3 चीज़ें हैं वो मेन हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आप वीडियोग्राफी आप अपनी स्टार्ट कर सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी आसान है। आपको बस अपना रेगुलरिटी बना के रखना है, आपको डेली उठना पड़ेगा, डेली आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, आपको अपना डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होंगी। जितना अपना रेगुलर रहोगे उतना आपका अच्छा अर्निंग होगा, आप उतना अच्छा तरीके से आप ग्रोथ करोगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और गाइस ध्यान रखना मैं भी एक बिगिनर ही हूँ,
मैं भी एक बिगनर ही हूँ और मैं भी एक छोटा फ़ोन से ही, मतलब 20,000 का फ़ोन है मेरे पास, ये माइक है, ये कैमरा है, सैमसंग का A51 फ़ोन है, आप चेक कर लो, 20-25 हज़ार का मतलब फ़ोन उसके अकॉर्डिंगली ही है, ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं है। आप सीधे आईफोन पे कभी मत भागना, धीरे धीरे स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, आगे बढ़ो, आप मेंटेन कर पाओगे, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाओगे। और एक बार आपका ग्रोथ कर गया, चैनल ग्रो कर गया, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग है, आपका काफ़ी अच्छा योगदान अपना कंट्री के इकोनॉमी में दे सकते हो, काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो, और लाइफ स्टाइल भी अपनी बदल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।